Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn exclamatory sentences. These sentences express strong feeling or emotion. Strong feeling, sudden feeling, emotion को express करने के लिए हम exclamatory sentences use करते हैं. These sentences can be identified easily by the exclamatory mark. ये sentence को हम आसानी से identify कर सकते हैं कि exclamatory sentence है. कैसे? इसमें एक exclamatory mark रहता है. कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. व्हाट अ ब्यूटिफुल कार यू हैव. तुम्हारे पास कितना सुंदर कार है, कितना सुंदर, ये एक फीलिंग है. हाउ अमेजिंग सी इज, वो कितनी अमेजिंग है. व्हाट एन अमेजिंग लेडी सी इज, वो कितनी अमेजिंग लेडी है. मैं ये दो सेंटेंस जो बताया आप इसमें मार्क कीजिए. हाउ अमेजिंग सी इज, व्हाट एन अमेजिंग लेडी सी इज, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है. अब बाद में जब मैं जाऊंगा उसको डिक्लेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी कैसे चेंज करते हैं तब जब बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी. जस्ट ये दो सेंटेंस को आप मार्क करके रहिए. हाउ ब्यूटिफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, ये सारे सेंटेंसेस थे एक्सक्लेमेटरी या एग्जाम्पल्स. हाउ टू चेंज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा. हकीकत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. मैं आप लोगों को वादा किया था एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ एक वीडियो में. ठीक है, हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर अभी बात करेंगे. सबसे पहले ये बात हमें ध्यान देना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से एक्सक्लेमेटरी को कन्वर्ट करने के लिए हम दो वर्ड पहले लगाते हैं. एक होता है व्हाट और एक होता है हाउ. मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक इंडेफिनाइट आर्टिकल हो, मतलब इंडिफिनेट आर्टिकल क्या क्या है, ए और अन, ए दोनों में से अगर कोई आर्टिकल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करते वक्त सबसे पहले हमें व्हाट लगाना पड़ेगा. अगर नहीं है ए या अन, कुछ भी नहीं है, तो हमें हाउ लगाना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से सुनिए, याद भी रखिए, अगर हो सके तो आप लिख लीजिए, अच्छी बात है. स्ट्रक्चर नंबर वन, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या अन मौजूद है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे. स्ट्रक्चर है सबसे पहले व्हाट, उसके बाद ए और अन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद अगर एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन हो तो वो नाउन, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा वर्ब या वर्ब फ्रेज. पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट लगाना पड़ेगा. मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल ए या आन कुछ हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले व्हाट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ए या आन लगाना पड़ेगा, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन. कौन सा नाउन, एडजेक्टिव के साथ जो नाउन होगा वो नाउन लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट मतलब कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब फ्रेज, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब फ्रेज हो उसको वहां यूज करना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मिस्टर जॉन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यहां आर्टिकल ए है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे. सबसे पहले क्या लगेगा, व्हाट नॉर्मल लगेगा क्योंकि इसमें आर्टिकल है ए या अन, उसके बाद लगेगा ए, मैं बोला था रूल के हिसाब से, उसके बाद क्या एडजेक्टिव क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है हार्ड वर्किंग, उसके बाद नाउन, हार्ड वर्किंग के बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नाउन है पर्सन, तो उसके बाद लगेगा पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर जॉन, उसके बाद हमारे पास वर्ब एक ही है वो है इज, तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट अ हार्ड वर्किंग पर्सन मिस्टर जॉन इज. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब,
तुम एक बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर ए ग्रेड जब है, आर्टिकल है, तो क्या लगेगा, हाउ या व्हाट, पहले व्हाट ही लगेगा। तो व्हाट लग गया, उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से ए लग गया, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट, उसके बाद क्या लगेगा, जॉब, जॉब नाउन है ग्रेट के बाद, इसके उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद दो वर्ब है, मतलब वर्ब फ्रेज है, हैव डन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू हैव, सॉरी आई एम सॉरी, व्हाट ए ग्रेट जॉब यू हैव डन। अब हम समझेंगे अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई इंडेफिनेट आर्टिकल ना हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले लगेगा हाउ, व्हाट नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं, व्हाट नहीं, सॉरी हाँ आर्टिकल नहीं, व्हाट नहीं, आर्टिकल है तो व्हाट लगेगा, आर्टिकल नहीं है तो हाउ लगेगा, ये ध्यान रखना, पहले लगेगा हाउ, उसके बाद लगेगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। इस तरह का सेंटेंस में ए आन नहीं रहने से कभी कभी एडवर्ब भी रहते हैं, एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव लगेगा या तो एडवर्ब हो तो एडवर्ब लगेगा। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा वर्ब या वर्ब फ्रेज, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, अगर एडवर्ब हो तो ऑब्जेक्ट वहां पर हो सकता है, हे तो लगाएंगे नहीं तो नहीं। पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए मैं पहले व्हाट का एग्जाम्पल, जो व्हाट लगाकर बना रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था हार्ड वर्किंग का, वो भी एडजेक्टिव था, यहां पर भी हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव लगाया गया है, मैं जानबूझ के दिया हूं एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाए। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये है ये हमारा सेंटेंस, इसमें आर्टिकल ए या आन कुछ भी नहीं है, तो हमें व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाएंगे, हाउ। तो पहले लगेगा हाउ, उसके बाद लगेगा, यहां पर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाया जाएगा जो कि हार्ड वर्किंग है, उसके बाद लगाया जाएगा सब्जेक्ट जो कि ही है, उसके बाद वर्ब है इज। हाउ हार्ड वर्किंग ही इज, वो कितनी मतलब कितना मेहनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव डन द वर्क सो नाइसली, वो बहुत अच्छे से काम किए हैं, अच्छे से काम किए हैं। उसको अगर हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में, सबसे पहले लगाया जाएगा हाउ रूल के हिसाब से, उसके यहां पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, नाइसली, तो हाउ के बाद लग गया नाइसली, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है दे, उसके बाद वर्ब फ्रेज है हैव डन, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, द वर्क, हाउ नाइसली दे हैव डन द वर्क, कितने मतलब सुंदर से वो काम किए हैं, कितने अच्छी तरह से वो काम किए, ये सरप्राइजिंग सेंटेंस है या फिर फीलिंग वाला सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग शायद अच्छी तरह से समझ, शायद नहीं पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम आर्टिकल ए आन वाला कम से कम 5 सेंटेंस लीजिए, बिना आर्टिकल वाला 5 सेंटेंस लीजिए जिसमें कि एडवर्ब या एडजेक्टिव हो, और उसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कीजिए, ये विल बी वेरी स्ट्रांग, ये बहुत जरूरी है एंट्रेंस में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ जाते हैं, द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज दिस एंड दिस, ऐसे आता है। मैं और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले कोई इंटेंसीफायर हो, जैसे कि जो एक एग्जाम्पल में वेरी हार्ड वर्किंग था, देखे होंगे वेरी, ये एक इंटेंसिफायर है, इंटेंसिफायर के ऊपर मैंने बताया हूँ वीडियोज में, वेरी शो टू, इस तरह का अगर इंटेंसिफायर हो तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते वक्त उसको ओमिट किया जाता है, मतलब यूज नहीं किया जाता है, उसके बदले तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं उसको स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।